यहाँ भी नीड एंड मोटिवेशन का कंसेप्ट है। उस सिलेबस में आपको मैस्लो की हायरार्की जरूर पढ़नी पड़ेगी। मैस्लो की हायरार्की में 5 लेवल हैं। लोएस्ट लेवल पर फिजियोलॉजिकल नीड हैं। अगर ये नीड पूरी होती हैं तो सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ते हैं, अगर ये पूरी होती हैं तो लव बिलोंगिंगनेस। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो, अगर ये नीड पूरी नहीं होती तो आप हस में वादे प्यार बफा, सब बातें हैं बातों का क्या, कस में वादे। अगर ये नीड पूरी होती है तो एस्टीम की तरफ, अगर ये सभी नीड्स पूरी होती है तो आप पहुंचते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ है, एक्चुअलाइजेशन की तरफ। यहीं से मेरे चैनल का नाम रखा है कि गोल ये लर्निंग का होना चाहिए, लोअर गोल नहीं। तो ये डेफिशिएंसी नीड है, अगर इनकी कमी रहेगी, फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट नीड की बात इस वीडियो में होगी, अगर इसकी कमी रहेगी इसमें क्या है कि बच्चे को अगर साफ हवा पानी खाना नहीं मिलेगा तो वो हायर नीड की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इस बात को सबसे पहला इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसने समझा? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में फर्स्ट सबसे पहले इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया। उसके बाद इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपनाया और इसमें थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन या रिवीजन होती रही। नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि रिवीजन क्या हुई, इसके पर्पस क्या थे, किस स्टेट ने सबसे पहले इसे अप्लाई किया था, और जो मील है उसमें क्या इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशन क्या क्या शामिल हैं, कितने ग्राम प्रोटीन है, कैलोरीज कितनी हैं, क्या नया ऐड हुआ है जैसे लेटर। तो पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या क्या इसमें चेंज आए, नाम बड़े चेंज हुए। ये लेटेस्ट आपको क्वेश्चन ही शायद यही पूछा जाएगा कि लेटेस्ट नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम क्या है, तो उसका हेड में ही लिखा गया है रीनेम्ड पीएम पोषण। पीएम को कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं समझना, प्रधानमंत्री ही समझना है। हिंदी का ही हिंट लेना है, कोई ऐसा एब्रिवेशन आता है तो हिंदी वाले शब्द को ऑप्ट करना है। स्टार्ट होता है मिड डे मील स्कीम इंडिया में 15 अगस्त 1995 में अंडर द नेम ऑफ नेशनल, ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है क्या फर्स्ट नेम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये मेन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पहले था। टू प्राइमरी एजुकेशन, तो ये तो पता ही है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एम है, और उस एम को करने के लिए एनरोल बच्चों को अटेंडेंस उनकी इंक्रीज करने के लिए वो कुछ स्कूल आए, तो जो गरीब बच्चे थे जिनको खाना तक नहीं मिलता था वो क्यों आएंगे, जस्टिफाइड भी था, तो उनको ये स्कीम में डाल के कि खाना मिलेगा तो वो स्कूल आएंगे, तो ये बेसिक इसका पर्पज था। दैट इज़ वाई प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन एम इसका याद ही रहेगा, एब्रिवेशन NPNSPE प्राइमरी एजुकेशन याद रहेगा, NS बस याद रखना है आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट। 2007 में NPNSPE है ना, NS याद रखना है, फिर इसका नाम बदल गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। ये पूछा जा सकता है कि मिड डे मील जो स्कीम है वो नाम कब, 2007 में है ना, जिस स्कीम को जो मोस्ट पॉपुलर नेम है यही है, और जिसको मिड डे मील स्कीम ब्रीफ में हम कहते हैं। इसके बाद रिसेंटली एक है कि इसमें मिल्क एड मिड डे मील में करने का, मिल्क भी साथ में दिया जाएगा, ये प्रपोजल है, वाइस प्रेसिडेंट ने ये इंक्लूजन प्रपोजल दिया है। सितंबर 2021 को मिड डे मील स्कीम का रीनेम फिर हुआ, ये तीसरी बार हो गया ना 2007 के बाद 2021 में, वो क्या हो गया जो अब नाम है उसका पीएम पोषण, जो ऊपर देख के आए हैं एक बार, पीएम को क्या लेना है प्रधानमंत्री, ये बताने की जरूरत नहीं है, पोषण का पोषण ही रहेगा। अगर फुल नेम पूछा जाता है तो शक्ति निर्माण साथ में आएगा, शक्ति निर्माण फुल नेम, पीएम पोषण योजना शक्ति निर्माण।
पीएम पोषण विल एक्सटेंड द हॉट कुक मील टू स्टूडेंट स्टडिंग इन प्री प्राइमरी, ये क्वेश्चन पूछा, रेड वाला एरिया आपके क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। एक तो प्री प्राइमरी लेवल हो गया, बाल वाटिका है ना ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल है ना, इस इनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया 2021 में। ये एक तरह से अपग्रेडेशन का ही एक मामला है। अच्छा, रीवैम्प स्कीम किसको बेहतर करना है, 5 ईयर के लिए प्लान किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 ईयर, 5 उधर लिखा है, वहां सर्कल करने नहीं जाऊंगा, कौन से 5 ईयर ये पूछा जाएगा। 2021-22 का सेशन है ये, 2025-26 के सेशन तक। तो इसका बजट क्या दिया गया है, 1,30,794 करोड़ है ना, मेरे ख्याल में ये पूछा नहीं जाएगा, बड़ी रकम है। तो बेनिफिट कितने करोड़ बच्चों को होगा, 11.80 करोड़ बच्चों को, 11.20 लाख स्कूलों को जो ये बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे, मतलब इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बेनिफिट होगा। ये सब फिगर थी। एक चीज़ और ऐड की गई कि मॉनिटरिंग न्यूट्रिशनल लेवल को मॉनिटर करना ऐड कर दिया गया, इट मींस पहले नहीं किया जाता था। नेक्स्ट ऐड हुआ कि एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के स्कूल इंश्योर करेगा, हर जो एक्सपर्ट है वो इंश्योर करेगा BMI लेवल, वेट लेवल एंड होमोग्लोबिन लेवल बच्चों का है ना, स्टूडेंट्स जिनको मॉनिटर किया जाएगा वो मॉनिटर, ये तीन जो है डायमेंशंस की जाएंगी। नेक्स्ट है कि जहां पर कई डिस्ट्रिक्ट में अनीमिया ज़्यादा है, हाई प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया है ना, जो है हीमोग्लोबिन जिन बच्चों का बहुत कम है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर न्यूट्रिशन आइटम वुड बी मेड है ना, ये स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में अनीमिया बच्चों का ज़्यादा होगा कि अनीमिया की कमी जो है पूरी की जा सके। वही हो रहा है जो मैस्लो की हायरार्की का फर्स्ट स्टेप, फिजियोलॉजिकल नीड, उसमें खाना मेन है। आज तक जितनी भी थ्योरी आप बीएड डीएलएड एमएड में जाके पढ़ोगे, सब ने एक ही जो लर्नर जो है वहाँ एनिमल थे, तो उनको भूखा रखा जाता है बाद में, जैसे डॉग पर है, पिजन पर है, स्किनर की, या पढ़ोगे तो फंडामेंटल नीड है ये, तो फंडामेंटल नीड अभी तक हम पूरी नहीं कर सके। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छा है यार, विचार बहुत अच्छे हैं। न्यूट्रिशनल गार्डन्स, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं अपनी बुक में जब इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन करके जो लिख रहा था काफ़ी टाइम, मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी न्यूज़ का डाटा कलेक्ट किया, और काफ़ी पैसे को मिसयूज़ किया जाता है, जब बच्चों के साथ हेल्थ डेथ भी हुई हैं, ऐसी खबरें भी हैं, तो ये पास्ट है, ये यहाँ नहीं बताया जाएगा, लेकिन सच है ना। तो बच्चों का खाना भी कोई खा गया यार, कमाल है। न्यूट्रिशन ग्रेड गार्डन, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है। स्कूल में एक गार्डन होगा, बनाया जाएगा वहाँ सब्जियाँ जो है ना, जो खाया जा सकता है मिड डे मील में, जो इजीली पॉसिबल है, तो गार्डन बच्चों को उनमें शामिल किया जाएगा, पानी देना है, हमने इसको उगाना है, क्या है इसमें, लर्निंग बहुत अच्छी है, कैसे बीज डुबाया जाता है, कैसे खाद डाली जाती है, कैसे वो उगता है, कितने देर बाद, उसकी केयर के लिए, पानी के लिए, धूप, सारी बातें, कंटेंट को साथ में जोड़ा जा सकता है, बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट इट कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि पंजाब में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में, उस बुक में लिखा है मैंने, बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये न्यूट्रिशन गार्डन जो है बने हैं। कुकिंग कंपटीशन करवाया जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एम है, सेंट्रल और जो इसको इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी, किसने इम्प्लीमेंट इसको किया है, पहले है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, ऑथराइजिंग बॉडी है। नेक्स्ट है सेंटर स्पॉन्सर्ड, पैसा किसने देना है, सेंटर ने या स्टेट ने, 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट उसकी डालेगी इसमें। तमिलनाडु वाज फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम, ओके, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन है। 2001 में जो चेंज आए, अब देख लीजिए रिवीजन कौन कौन सी हुई, 2001 में कुक्ड मिड डे मील स्कीम अंडर विच ईच एलिजिबल चाइल्ड वाज प्रोवाइडेड विद प्रिपेयर्ड मिड डे मील फॉर मिनिमम 200
200 दिनों के लिए सबसे पहले ये रहा था, है ना। तो एनर्जी कितनी सी, 300 कैलोरीज, और प्रोटीन 8 से 12 ग्राम। तो 2002 में रिवीजन जो हुई, नहीं तब तब तक इसमें एक चीज़ ऐड हुई, क्या ये अगर आपने नाम सुना होगा, ये वाला रेड कर लूँ अब, हाँ, EGS एंड AIE, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके थे रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, उनके लिए एजुकेशन ग्रांटेड स्कीम, ये एब्रेवेशन, इस पर वीडियो तो लेट हो जाएगा डलते डलते, और साथ में ही ये कंसेप्ट आएगा अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्रेवेशन पूछी जा सकती है। तो इनको भी साथ में शामिल कर लिया गया, जो PM पोषण योजना है, शक्ति निर्माण। तो ये स्कीम वाज ओनली डिजाइंड फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स, पहले ये थी, ये क्वेश्चन बनता है लेटर बाद में, चिल्ड्रन स्टडिंग इन एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर वर टू इंक्लूडेड, इनको शामिल कर लिया गया। इसके बाद चेंज होते रहे, रिवाइजन 2004 में जो ही ये कुकिंग कॉस्ट पर सब्सिडी जो थी इंक्लूड की गई ऑल स्टेट्स, है ना, मैक्सिमम रुपी 100, ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनको के लिए 100 पर क्विंटल फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 75 पर क्विंटल फॉर अदर स्टेट्स। नेक्स्ट रिवीजन 2006 में हुई, जो कुकिंग कॉस्ट थी एनहांस की गई 1.80 पर चिल्ड्रन स्कूल डे फॉर स्कूल इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इस एरिया में, और रीजन जो था दूसरा 1.5 पर चिल्ड्रन एंड स्कूल डे फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। न्यूट्रिशन नॉर्म्स वाज रिवाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, पिछले वाला छोड़ सकते हो बेशक। एनर्जी इनटेक वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 कैलोरीज टू 4500 कैलोरीज, ओके। प्रोटीन वाज इनटेक वाज इंक्रीज्ड 8 to 12 ग्राम, ओके, वो टोटल 12 ग्राम कर दिया गया। 2007 में 6 ये जो है क्लास 6 से 8 चिल्ड्रन स्टडिंग इन 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाँ दो जो कंसेप्ट नए आपने पढ़े हैं, एजुकेशन ग्रांटेड स्कीम और उसके साथ AIE, है ना, ऐसे ही EBB, जब भी सेंसस या सर्वे होते हैं तो कुछ एरियाज पाए जाते हैं जो नेशनल लिटरेसी लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे उस एरिया में बच्चों का लिटरेसी लेवल होता है, तो वहाँ स्पेशल जो है काम करना पड़ता है। तो जो बहुत ज़्यादा ऐसे लिटरेसी लेवल में या एजुकेशन में पिछड़ गए थे उनको नाम दिया गया था एजुकेबली बैकवर्ड ब्लॉक्स, है ना, बैकवर्ड्स ब्लॉक, ये उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये भी इस स्कीम में ऐड कर दिए गए। 2008 में सर्व शिक्षा अभियान सपोर्टेड मदरसा एंड मकतबाज वर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, 2008 में उनको भी शामिल किया गया। हो क्या रहा है कि धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ रहा है, स्कूलों को साथ में ऐड किया जा रहा है। 2015 में रूल बने, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिड डे मील रूल्स 2015 में नोटिफाइड ऑन 30 सितंबर 2015, ये बना अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो एक्ट 2013 को पास हुआ था। तो ये रूल के बारे में एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मंथली टेस्टिंग हो सकती है, मील्स की मंथली टेस्टिंग वो एक्रेडिटेड लैब्स में, जैसे ये फिक्स किया गया कि अगर बच्चे को स्कूल में आने वाले दिनों में 3 दिन लगातार खाना नहीं मिलता, या मंथ में 5 दिन खाना नहीं मिलता, तो एक स्पेशल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं 2015 के रूल के मुताबिक, क्लास फर्स्ट से 8th तक वो बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, है ना, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, और कुक्ड न्यूट्रिशन मील एवरीडे एक्सेप्ट हॉलीडेज को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि हॉलीडेज को मील मिलेगा, नहीं, जो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, शायद पीछे बात हो गई है, कैलरीज
प्राइमरी और अपर प्राइमरी की क्या रहेगी? प्राइमरी मीन फिफ्थ क्लास तक, ये एट्थ क्लास तक। एनर्जी 450 ग्राम, अपर प्राइमरी को 700 कैलोरीज। प्रोटीन 12 ग्राम, अपर प्राइमरी को 20 ग्राम। फूड इनटेक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में फूड ग्रेन्स 100 ग्राम, 150 ग्राम। पल्सेस 20 ग्राम, 30 ग्राम। वेजिटेबल्स 50 ग्राम, 75 ग्राम। ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम, 7.5 ग्राम। मिनिमम क्वालिटी भी निश्चित की गई है, एग मार्क क्वालिटी। कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है जो एग्जाम में कम पूछे जा सकते हैं वो है, बाकी छोड़ सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, मॉडल है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि लोकल खाना बनेगा, सेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो खाना प्रिपेयर करके डिलीवर करेगी स्कूलों में। मॉडल है कौन सा अपनाया जाता है ये अभी तक नहीं है फाइनल शायद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया के बारे में, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा शायद। इंडियाज रैंक 94th है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि हम कितने भूखे रख रहे हैं बच्चों को, हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा भूखी रह रही है। जितना रैंक आगे होगा, इस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया बहुत सारी डिमेंशन है। और इस रिपोर्ट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की गई है। 2008 की रिपोर्ट में नेशनल कंपेन ऑन दलित राइट ऑन टू द यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट आल्सो हाईलाइट दैट के मिड डे मील जो है अपर कास्ट को ज्यादा सर्व हो रहा है, मतलब वहां डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये प्रैक्टिस की बात आ गई है, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी पेन है।